दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज किस वीडियो में देखने वाले हैं, जो भी MJP आर यू, MJP RU बरेली से हैं, उन सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि BA फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो भी छात्र हैं, फर्स्ट ईयर वाले, मतलब फर्स्ट ईयर में हैं, अभी एडमिशन लिया, फर्स्ट सेमेस्टर उनका, तो डिफरेंस एंड स्टैटिक स्टडीज का जो पेपर है, जिसे रक्षा एवं सरस अध्ययन या फिर सैन्य अध्ययन बोलते हैं इसको, तो ये 2022 में आने वाले क्वेश्चन बात करेंगे। MJP आर यू रोहरखंड यूनिवर्सिटी वाले जितने भी छात्र हैं, उस वीडियो को लास्ट तक देखें, और जो जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उन क्वेश्चनों को याद कर ले। इसके अलावा कुछ और मत पढ़ना, मैं अभी बोल रहा हूँ। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। 2022 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इन क्वेश्चनों को आपको याद करना है और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। पहले क्वेश्चन पर आप टिक लगाएंगे सभी लोग। पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो रक्षा एम, देखो यहाँ बोला गया रक्षा एम जो स्थलिक अध्याय है, मतलब जैसे सैन्य अध्याय बोलते हैं, रक्षा और सैन्य अध्याय का, ठीक है, उपयोग, मतलब उपयोग कहाँ किया जाता है, यूज, उसके महत्व के बारे में, और युद्ध क्या होता है, युद्ध क्या होता है बेटा, युद्ध की परिभाषा और उसकी विशेषता, युद्ध की विशेषता क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन टिक लगाएंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन टिक लगाएंगे। देखो यहाँ कह रहा है युद्ध, युद्ध के प्रमुख सिद्धांत क्या होते हैं, तो देखो युद्ध के प्रमुख सिद्धांत भी होंगे, तो उस युद्ध के प्रमुख सिद्धांतों को याद कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में आश्चर्य युद्ध का सबसे अधिक घातक तत्व कौन सा होता है, जो आश्चर्य युद्ध होता है उसका सबसे घातक तत्व कौन सा होता है, उसके बारे में आपको याद करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आक्रमण करो, देखो आक्रमण करो मतलब क्या होता है, आक्रमण करो का मतलब कार आक्रमण करो का एक दूसरे वर्ड में कह सकते हैं आक्रमण, देखो सकते हैं आक्रमणात्मक कार्यवाही, ठीक है, जो होता है आक्रमण करो का मतलब होता है। और साथ ही साथ इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक डिस्कस कर लेना है, एक थोड़ा सा पॉइंट आएगा शॉर्ट में, उसके बारे में आक्रमण करो के बारे में पूछेगा आपसे, क्या होता है इसका वर्णन करो, उस प्रकार से पूछेगा, तो उसको याद कर लेना है। और युद्ध राजनीति का एक साधन है, ये आपको बताना है, जो युद्ध है वो राजनीति का एक साधन होता है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है, आपके मन में क्या आता है विचार, उसके बारे में आपको देखना है, मतलब कि युद्ध एक राजनीतिक राजनीतिक की कह सकते हैं राजनीति का एक साधन है, इसके बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देंगे। आधुनिक युग यहाँ हो रहा है, आधुनिक जो युद्ध फॉर्म है उनके स्वरूप का वितरण करना, विस्तार मतलब विस्तार करना है, वितरण करना है, या फिर उनका वर्णन करना है, इस प्रकार से आपसे पूछ देगा कि आधुनिक युद्ध के कर्म के स्वरूप का वर्णन करो, इस प्रकार से आपसे पूछ देगा, उस आप इस क्वेश्चन को याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे कि छापा मार जो युद्ध होता है वो क्या होता है, उसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, और आप उस पर विचार करना है, आप उसको क्या विचार कर सकते हैं कि छापा मार कोई युद्ध है तो उसके बारे में क्या क्या पोजीशन आती है, मतलब क्या डिस्कस करना चाहता है, वो आपको यहाँ करना है। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, देखो विप्लव विरुद्ध क्या, जो विरोधी होता है, विप्लव विरोधी को हम छापामारी विरोधी भी कहते हैं, उसके और आधारभूत तत्वों के बारे में देख लेना है, उसके आधारभूत तत्व कौन कौन से होते हैं, ठीक है, विप्लव विरोधी या फिर कह सकते हैं छापामारी विरोधी, ठीक है, इसकी परिभाषा और इसके इसके मूलभूत कह सकते हैं आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं छापामारी विरोधी के, वो हमें याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक करना है बेटा, वो कहते हैं मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक को साइकोलॉजी, ठीक है, वर्क फॉर्म भी कहते हैं, तो इस प्रकार से देख सकते हैं, तो ये देखना है युद्ध के बारे में, और उनके जो मनोविज्ञान युद्ध होता है उनके साधन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से उद्देश्य, उनके कार्य क्या है, उनके माध्यम माध्य क्या है, क्योंकि कौन कौन से माध्यम है मनोवैज्ञानिक युद्ध के, वो देख लेना है, कौन कौन से साधनों से हम युद्ध कर सकते हैं मनोविज्ञान के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, इसको देखेंगे सभी लोग, कि जो आर्थिक युद्ध होता है, आर्थिक युद्ध क्या होता है, उसके साधन कौन कौन से है, तो आर्थिक युद्धों के साधन कौन कौन से होते हैं, उन साधनों के बारे में हमें याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे बेटा, देखो भया दोहन का होता है, भया दोहन याद रखिए, भया दोहन के प्रकार कितने होते हैं, और भया दोहन की जो युद्ध नीति थी, भया दोहन की एक युद्ध नीति थी, उसकी समीक्षा, उसकी महत्व, उनके तत्वों के बारे में देख लेना है, उनकी समीक्षा कैसे करेंगे आप, भया दोहन का एक युद्ध की नीति थी उन्होंने दी थी, उस नीति के बारे में आपको डिस्कस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि समाज जो रासायनिक युद्ध होता है, रासायनिक युद्ध केमिकल युद्ध जिसे बोला जाता है, तो केमिकल युद्ध उसके इफेक्ट क्या होते हैं, मतलब कोई केमिकल युद्ध से हम करते हैं तो उसमें क्या इफेक्ट पहुंच सकते हैं, उनके इफेक्ट के बारे में, और केमिकल युद्ध का होता है क्या है, मतलब कि रासायनिक युद्ध होता क्या है वो हम देखेंगे। राजनीतिक युद्ध के बारे में देख लेंगे, राजनीतिक युद्ध क्या होता है, जिसे हम राजनयिक युद्ध भी बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे टिक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा युद्ध स्तर और युद्ध चक्र किसे कहते हैं, देखो युद्ध स्तर और युद्ध चक्र में आपकी परिभाषा पूछ लेगा, मतलब कि अंतर पूछ लेगा कि युद्ध स्तर किसे कहते हैं और युद्ध चक्र किसे कहते हैं, ये देखेंगे। कूट नियोजन क्या होता है बेटा, कूट नियोजन को हम कूट नीति भी कहते हैं, कूट नियोजन को हम कूट नीति भी कहते हैं, और ये देखो समरतंत्र में अंतर, मतलब कूट नीति इस प्रकार से कह जाएगा, कूट नीति या कूट नियोजन के समर्थ एवं समरतंत्र में अंतर बताओ, ये आपको याद करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। शीत युद्ध किसे कहते हैं, सीमित युद्ध किसे कहते हैं,
नवीन शीत युद्ध का कारण क्या होता है? आप इस सभी क्वेश्चनों को याद करेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% प्लस लाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यहाँ से। आप इन क्वेश्चनों को रट लेना बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुल, देखो गुरिल्ला युद्ध होता है, गुरिल्ला युद्ध, उसके युद्ध के बारे में देखना है, ठीक है। नाकेबंदी फिर टिप्पणी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नाकेबंदी किसे कहते हैं फिर टिप्पणी पूछ लेता है। नाभिकीय युद्ध क्या होता है बेटा, नाभिक से युद्ध करते हैं, नाभिकीय युद्ध के बारे, ठीक है, उनके बारे में देख लेना है। और क्लाउज़ेविट के युद्ध नीति के संबंध में आपको कुछ वर्णन करने के लिए पूछता है, इसके बारे में देख लेना। और त्वरित युद्ध का समरतंत्र क्या होता है, त्वरित युद्ध का समरतंत्र के बारे में देख लेना है। साथ ही साथ परमाणु युद्ध के प्रभाव क्या होते हैं, इफेक्ट क्या होते हैं, और साथ ही साथ जीवाणु युद्ध किसे कहते हैं। तो ये है हमारे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम 2022 में आने वाले हैं। आप इन क्वेश्चनों को याद करके, ठीक है, 85% ला सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।